सो फाइनली दोस्तों गदर 2 की आखिरकार फाइनली ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है, जिसमें 524 करोड़ 75 लाख कमाकर गदर 2 भारत की ऐसी फिल्म बन चुकी है जो हाईएस्ट ग्रोसर नेट इंडिया के अंदर। पठान अब दूसरे नंबर पे भाई लोगों। अब जो लोग ये बोल रहे थे कि पठान का रिकॉर्ड तोड़ना असंभव है, पठान का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, SRK इज ऑलवेज बी किंग, अरे भाई साहब किंग छोड़ो, बाप तो बाप ही होता है भाई, पहले नंबर पे आ गया है। और पहले नंबर पे पता है कैसे आया है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लाइक कमेंट कीजिए, अपने भाई को प्यार जरूर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों कर लो यार। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोगों सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने गदर 2 फिल्म को सपोर्ट किया, और गदर 2 फिल्म को यहां से यहां पहुंचाने में आप लोगों का हाथ मुझसे ज्यादा है दोस्तों, मुझसे पहले आप लोगों का हाथ है, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट जो भर भर के किए ना, जिसकी वजह से वीडियो रैंक हुई और लोगों तक हम सबका मैसेज पहुंचा कि जाओ और गदर 2 को देखो। लोगों ने, जनता ने दिलों से प्यार दिया गदर 2 को, और गदर 2 फिल्म अब भारत की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है हिंदी बेल्ट के अंदर हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाने में, और वो भी कैसे भाई साहब 3500 स्क्रीन्स, भाई साहब 4-5-6 अब तो घूमर भी दोस्तों टकरा रही थी, उसके बाद फुकरे भी टकरा रही, अब तो एक यारिया 2.0 करके फिल्म आ गई वो भी टकरा रही है। मतलब गदर 2 को भाई साहब बड़े बड़े क्लैश के साथ सामना करना पड़ा, स्क्रीन्स नहीं दिए गए, साजिशें खूब हुई, और कुछ चाटुगार और कुछ हेटर्स लोगों ने पता है क्या बोला, यार गदर 2 तो कहां तोड़ पाएगी पठान की रिकॉर्ड है, गदर 2 तो VFX है, भोजपुरी है, गदर 2 को दोस्तों कोई बराबर हो कि समानता दी ही नहीं गई, गदर 2 को हमेशा साइड में रखा गया कि यार ये फिल्म कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। आज इस फिल्म ने ना सबके सोच को उखाड़ के फेंक दिया है, सबके दोस्तों दिलो दिमाग में एक ऐसा मैसेज डाल दिया है कि दोस्तों डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जो बंदा 65 साल में, जो बंदा 22 साल बाद आ रहा है, भाई साहब क्रिटिक्स की ऐसी की तैसी, क्योंकि ये पाजी ने बोल दिया है, जनता ने जिस फिल्म को प्यार दे दिया वो फिल्म सर्वोपरि है, और जनता ने जिस एक्टर को प्यार कर दिया वो भाई साहब फिर कोई क्रिटिक्स कुछ उखाड़ नहीं सकता दोस्तों। और जनता ने गदर 2 के साथ ऐसा ही किया, जो क्रेज, जो दीवानगी, जो क्राउड, जो सिनेमा घर के बाहर रात के 2-2 बजे के शोज, 3-3 बजे के शोज, जो ये सब माहौल देखने को मिला भाई साहब, चाहे भागलपुर, बैंगलोर, पटना, बिहार, तमाम स्टेट वाइज जो एक माहौल और एक फेस्टिवल, जो एक 15 अगस्त को माहौल देखने को मिला, आजादी के दिवस पे भी भाई ऐसा माहौल हमने जवान में नहीं देखा, और जवान के 1000 करोड़ कलेक्शंस होने के बावजूद भी वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही है, वो फीलिंग्स नहीं आ रही है, वो एक गूजबम्स नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है चल कोई नहीं यार 1000 हो गया ना, 2000 भी हो जाएगा, लेकिन एक अंदर की जो एक सोल होती है ना दोस्तों, वो गदर 2 के लिए था, क्योंकि बंदा जब थिएटर से बाहर निकल के आ रहा था तो सिर्फ एक ही नारा बोल रहा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बच्चा बच्चा बोल रहा था, जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ऐसे नारों से, सीटियों से, तालियों से गूंजता हुआ थिएटर भाई साहब, और खास तौर से सन्नी पाजी का वो लोहे वाला, क्या बोलते हैं, हथौड़े वाला सीन, जब भाई उनकी एंट्री हुई वो सीन तो बाहुबली के उस प्रभास के सीन से कम नहीं था, जब वो देवसेना के जो साथ में एक बंदा होता ना, जो देवसेना को कैद करके हवेली की तरफ ले जाता है, और भाई साहब वो तलवार घुमा के, क्या बोलते हैं, प्रभास मारता, उसकी गर्दन कट जाती है, भाई उससे भी लाख गुना गूज बम्स देने वाला सीन था गदर 2 के अंदर, जब सन्नी पाजी हथौड़े से भाई ऐसे मारते हैं, उसकी गर्दन गायब, भाई साहब थिएटर शॉक्ड। तो दोस्तों गदर 2 एक आंधी थी, और ये आंधी अभी भी नहीं रुक रही है, हालांकि साजिश से दोस्तों बहुत चल रही है। आपको बता दूं कि इस कालनिक ने तो 2 दिन पहले ही रिपोर्ट दे दी थी कि 524.75 करोड़ कलेक्शन हो चुका है, हालांकि दोस्तों 2 दिन पहले ही मैं भी रिपोर्ट दे चुका था आपको कि भाई साहब पठान के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है फिल्म ये, लेकिन भाई साहब हम लोगों ने, ये बड़े बड़े क्रिटिक्स जो है, जी स्टूडियो है, प्रोडक्शन हाउस है, उन लोगों को जगाया, भाई साहब पोस्टर रिलीज कर दो, सनी देओल फैंस ने जगाया, तब जाके आज पोस्टर देखने को मिल रहा है, फिर से गदर 2 रैंक हो गया। हालांकि दोस्तों मैंने आपसे कल कहा भी था कि अपने 48 डेज में 40 लाख का कलेक्शन करेगी, और 40 लाख का कलेक्शन हुआ, आज दोस्तों लगभग 49 डेज के आसपास है, ऑलमोस्ट 7th वीक कंप्लीट हो चुके हैं, और आज का कलेक्शन भी दोस्तों कहा जा रहा है कि 20 लाख तो कहीं भी नहीं गए। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं, स्क्रीन शोज खत्म, डेड,
क्योंकि अब फुकरे आ चुकी है, क्योंकि अब यारिया 2.0 आ चुकी है, उन सबको स्क्रीन्स मिल चुके हैं और जवान भैया इतने स्क्रीन्स लेके बैठी हुई है फिर भी 4-5 करोड़ कमा रही है। हद है भाई, 1000 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है जवान। अब तो और दोस्तों गदर 2 ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, पता है क्या भाई साहब, जवान इससे पहले पठान के रिकॉर्ड तोड़े, भाई साहब गदर 2 ने ना पठान के रिकॉर्ड पहले तोड़ दिया। यहां भी नंबर 1 पायदान पर गदर 2 आ चुकी है। ये है पावर ऑफ सनी देओल, ये है पावर ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है। हालांकि इस फिल्म को क्रिटिसाइज बहुत किया गया, ट्रोल बहुत किया गया, आंडू पांडू यूट्यूबर जो थे उन्होंने इस फिल्म को बहुत नकारात्मक दृष्टि से दोस्तों इसको नीचे गिराने की पूरी साजिश की थी। चाहे मैं बात करूं एक दो इंडियन का नाम नहीं लेना चाहता, आप सबको पता है वो कौन थे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इनके बारे में बता रहा था। बहुत लोगों ने नीचे गिराया, लेकिन आज ये फिल्म ने उन सब के मुंह पे तमाचा और हेटर्स की बोलती बंद कर दी है। और क्योंकि वो इतने शर्मिंदा हो चुके हैं कि भाई साहब 524 करोड़ 75 लाख का जो कलेक्शंस कर चुकी है फिल्म में, उसकी खबर भी नहीं दे रहे यार। कैसे, किस मुंह से आएंगे सामने, गालियां भी तो खानी पड़ेगी ना आप लोगों की, ठीक है। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, मुबारक हो। दोस्तों फैंस लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे सर ये वीडियो आपने डाली नहीं। भाई लोगों देखो यार, टाइगर का भी बहुत बड़ा क्रेज था, टाइगर के मैंने वीडियो क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड वीडियो डालता हूं, आप सबको पता है, और आप सब मेरी लिमिटेड वीडियो को भी अनलिमिटेड प्यार देते हो। भाई गदर 2 के जो फैंस है, जो आप लोग काफी कमेंट कर रहे हैं मुझे कि सर केक कब कटेगा और सब में कब बटेगा, तो भाई लोगों केक कटेगा और थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि मैं संडे को थोड़ा प्रोग्राम बना रहा हूं कि ये जो संडे आ रहा है अपकमिंग, उसमें सब फ्री रहते हैं। और भाई साहब आपको बता दूं, ये जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा ना आपको, इस बैकग्राउंड में हम गुब्बारे सजाएंगे, थोड़ा सा केक वेक लाऊंगा मैं, और स्पेशली गदर 2 सन्नी पाल जी की फोटो वोटो लगा के बढ़िया सा भाई साहब केक काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और भाई साहब आप सबको केक भी तो खिलाना है, ठीक है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग टू एंड, और मुझे पता है कि जब तक मैं YouTube पर रहूंगा तब तक आप लोगों का प्यार दोस्तों बरसते रहेगा, और प्लीज यार प्यार आप लोगों का हर वीडियो पे बरसे, मैं यही चाहता हूं। अब देखो यार, स्क्रीन्स खत्म हो गई, शोज खत्म हो गई है, स्कैल्डिक वाला अभी भी झूठ रिपोर्ट दिखा रखा है, पता है क्या, दिल्ली में दिखा रखा है 42 शोज दिखा रहा है दिल्ली में, मुंबई में भाई साहब 85 शोज दिखा रखा है, और अहमदाबाद में पता नहीं कितना 33 शोज दिखा रखा है। अरे भाई स्कैल्डिक वाले अपडेट हो जाओ, कब तक आप पुरानी रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करोगे। भाई आपको बता दूं दिल्ली में कितने शोज हैं, भाई दिल्ली में आपको बता दूं कितने शोज हैं, दिल्ली में भाई साहब आपको बता दूं 5 शोज चल रहे हैं, मुंबई में सिर्फ 1 शोज खत्म, और अहमदाबाद में 3 शोज चल रहे हैं, मतलब पूरे भारत में 50 शोज भी नहीं मिले हैं। गदर 2 की लाइफ टाइम कलेक्शन दोस्तों 528-29 करोड़ तक ही जाएगी, क्योंकि यार शोज खत्म कर दिए भाई, अब कितना लड़ेंगे यार, शोज खत्म हो गया। बट ये काम सही हुआ कि गदर 2 ने पठान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, नहीं तोड़ती दिमाग खराब हो जाता हम सभी लोगों का, ठीक है, और तोड़ना भी जरूरी था दोस्तों। हालांकि साजिशें बहुत हुई, अगर ये फिल्म को और भी स्क्रीन्स और शोज रिलीज होती तो शायद दोस्तों फिर ये फिल्म 1000 करोड़ नेट में कमाती। यहां तक टिकट प्राइस दोस्तों कम कर दिए गए हैं गदर 2 के। साथ ही साथ एक और बात सुनने को मिली है कि जवान 1000 करोड़ में पहुंच तो गई है, लेकिन भाई साहब टिकट प्राइस एक पे एक फ्री दिया जा रहा है, लेकिन फ्री में भी लोग जवान को नहीं देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पे एक टिकट फ्री होने के बावजूद भी लोग कह रहे हैं अब छोड़ना मोबाइल में देख लेंगे। तो भाई कुल मिला के ये सीन हो रहा है गदर 2 का। आज का कलेक्शन बता दिया मैंने आपको, 20 लाख आएगा आपको टोटल दोस्तों। अगर मैं टोटल 7 वीक का कलेक्शन लेकर आया हूं, आपको 7 दिन का कलेक्शन बताऊं, तो भाई लोगों फर्स्ट वीक में गदर 2 ने 284 करोड़ 63 लाख, दूसरे वीक में 134.47, तीसरे वीक में 63.35, चौथे वीक में 27.55, पांचवें वीक में 7.28 करोड़, छठे वीक में 4.72 करोड़, सातवें वीक में 2.75 करोड़, कल की डेट तक का आज 20 करोड़ और लगा लो, मतलब कुल मिला के फाड़ दिया भाई, बॉलीवुड पर कब्जा कर लिया पाजी ने। और अभी तो पाजी की देखो 19 अक्टूबर को बर्थडे है, 19 अक्टूबर से पहले 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर के बीच OTT पे G5 पे गदर 2 स्ट्रीम होगी, वहां स्ट्रीमिंग से भाई साहब कमा लेगी 100-150 करोड़ OTT के राइट से, ठीक है, मतलब वो भी कलेक्शंस भी तो मैटर करेगा ना। उसके बाद भाई साहब सुनने में आ रहा है कि सन्नी पाल जी की बहुत सारी फिल्में पाइपलाइन में है, अभी तो आमिर खान अपनी चैंपियंस का रीमेक कर रहे हैं किसी फिल्म का, इसके बाद एक नया टाइटल अनाउंस किया जाएगा जिसमें आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस सन्नी देओल को लॉन्च कर रहा है। भाई साहब आपको बता दूं कि बहुत बड़े बजट की फिल्म बन रही है, राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेगा, उसके भी अपडेट दूंगा दोस्तों। बहुत सारी फिल्में आ रही है सन्नी पाल जी की, अब डरने की जरूरत नहीं है, बाप आ चुका है बॉलीवुड पे, और भाई साहब
हिंदी सिनेमा बदलेंगे। हम अभी तक हॉलीवुड फिल्में देख रहे थे, लेकिन जनता को सन्नी पाजी ने बता दिया कि अभी भी फैंस लोग पागल है हिंदी सिनेमा देखने के लिए। कहां बाप माता पिता के साथ फिल्में जा रहे लोग देखने, वही अपने गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया, चल यार देखने चलते हैं। भाई गर्लफ्रेंड से बाहर निकलो, आपका परिवार आपके पीछे, उनको भी लेकर जाओ, फिल्में दिखाओ और हिंदी सिनेमा बनाओ। और मैं बार बार बोलता हूं, आज भी अगर 4000 स्क्रीन गदर 2 को दे दी जाए और 20 फिल्में नई की नई आज भी आ जाए ना थिएटर में, तो जनता आज भी गदर 2 को देखेगी। क्योंकि ये फिल्म नहीं है दोस्तों, ये एक हिंदुस्तान की आत्मा है, ये एक क्या बोलते हैं इमोशंस है, भारत की फिल्म है, जनता की फिल्म है। और जनता ने इस फिल्म को देखा, इस फिल्म को अपनाया, चाहे वो फिल्म में गटर लोगों ने गटर बोला हो, चाहे उसका VFX खराब बोला हो, जनता को पसंद आई। जब जनता को पसंद आई ना, फिर मैटर नहीं करता। और वैसे भी इस फिल्म ने 400 करोड़ का परसेंटेज दिया है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो भाई और क्या चाहिए। तो दोस्तों अब जो हेटर्स लोगों की जली पड़ी हुई है, जिनको रमैया वस्ता भैया जो बार बार बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ पहुंच चुकी है और जवान को नंबर वन बना के बैठे हैं, दोस्तों वो लोग हमें अंधभक्त बोलते हैं। अरे भाई अंधे तो अब भी आप होंगे अगर आपने तरण आदर्श को नहीं मानते बड़े क्रिटिक्स में। भाई बड़े बड़े क्रिटिक्स, बड़े बड़े बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट सबने मान लिया भाई, अब सबका बाप सन्नी देओल गदर 2 ने इतिहास रच दिया है। अब भाई साहब आप चाहे मन में कितने भी जवान और पठान के सपने सजा लो, सपने सपने होते हैं और सपनों को पानी फेर दिया हमारे गदर 2 ने। खैर कोई दिक्कत नहीं, गदर ने गदर मचा दिया है, अब गदर 3 जवान के फेक कलेक्शंस को भी तोड़ेगी। आप फेक फेक करते जाओ, हम रियल रियल करते जाएंगे। और दोस्तों रियल की बात हमेशा क्या बोलते हैं रियल ही होती है भाई, आप कितने भी फेक कॉर्पोरेट बुकिंग करके दिखा दो। और वैसे भी तुम्हारा बाप पीछे आ रहा है भाई, अभी आ रहा है टाइगर, आ रहा है, सारी फेक कलेक्शंस फेक कॉर्पोरेट बुकिंग सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा, ठीक है। तो भाई बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। क्या लगता है, क्या गदर 2 फिल्म सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्या गदर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शंस कितना होगा, कमेंट करके बताओ। और कितने ज्यादा खुश हो, लाइक कमेंट भर भर के होना चाहिए दोस्तों। और हां संडे को एक स्पेशल वीडियो आएगी दोस्तों, जिसमें हम गदर 2 को सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे, पीछे बैकग्राउंड भी सजेगा। लाइक कमेंट करो, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना ना भूले। और हां वीडियो को खूब शेयर करो यार अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव।